राजकुमार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रदीप पुरुषोत्तम जैन द्वारा हर गुरुवार मलाट पश्चिम के चिंचोली बंदर में साई बाबा भंडारा का आयोजन करते हैं। प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट। मैं 3.25 साल हो गया, वैसे 20 मार्च 2014 से चालू किया मैंने। आज 179 के आसपास गुरुवार हो गया। वैसे वो यहाँ पे जो भी आ रहे आजू बाजू में सब इतने भी है, उनके खाना खिला रहा, टीचर ही बना कर मैं दे रहा हूँ। मैं ये आराम से 500-600 के आसपास ऊपर से खाना कम पड़ रहा है। ये मेरा जो है हिसाब से वो उतने में हमेशा हर गुरुवार उतने कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, साल में एक बार वार्षिक उत्सव कर रहा हूँ मैं, 20 मार्च को वार्षिक उत्सव कर रहा हूँ। उसमें कम से 3-3.5 हज़ार का खाना हो रहा है। उसमें क्या पूरी भाजी सब जो खाना होगा ना, वैसे सब खाना वहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे करूँगा मैं। ये मैं वो बस मुझे वो है कि BMC वाले ने बोला हुआ है कि कानून के हिसाब से वो चल रहे। 2005 में जो कानून आया कोर्ट से आया हुआ है कि यहाँ पर किसको परेशानी है, जैसा या यहाँ पर भी है वो मंदिर बीच में आ रहा है वहाँ पे उसको निकाल लिया जावे और दूसरे साइड में शिफ्ट कर ले। ये मैं यहाँ पे वो ऐसा है कि मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे क्या साई बाबा जो मंदिर बना हुआ था वो यहाँ पे किसको परेशानी भी नहीं हो रही है। ये BMC वाले ने अपना काम किया, वो मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। वैसे मेरा मन में ये है कि मुझे खाना खिलाना है, वो मैं खाना खिला रहा हूँ, अभी भी खिला रहा हूँ, बाद में भी खिलाऊंगा हमेशा ही, जब कब मैं जाने जब कब मैं खाना खिलाऊँ यहाँ पर। या उनके हिसाब है कि बस हमको मंदिर के ऊपर से दबाव में आया हुआ है। ये वैसे कानून 2005 के है, और जब कानून 2005 में बना हुआ है तो आप 2016 में 31 दिसंबर 2016 में साई बाबा मंदिर यहाँ पे निकालने आए, तो आप इतने सालों का क्यों चुप लिए? उस समय आपको मंदिर बना देना ही नहीं चाहिए। वो ये मंदिर जो बना हुआ है 25 साल के ऊपर बना हुआ है। वैसे अभी को मैं क्या करूँ, मैं अभी ऐसा है कि मैं एक अकेला आदमी वो करना नहीं होवे, सब साथ में मिलकर मैं साइन भी लिया, सब बोलने से साइन भी लिया मैंने, कम से 1000-2000 का साइन भी लिया मैंने यहाँ पर कि मंदिर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ये एक अकेले आदमी से नहीं होगी, एक अकेले आदमी से कुछ भी नहीं होगी, सब मिलकर करना चाहिए। साई बाबा मेरे नहीं है, साई बाबा सबके है ना। अभी उनको देखना है कि साई बाबा मंदिर यहाँ पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं अपना मेरा मंदिर को है, मैं हमेशा मुक्की लेके आ रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, फोकू लेके आ रहा हूँ, सुबह पहले शाम को लेके जा रहा हूँ। वो मुझे जो खाना खिलाना है साई बाबा का, जो प्रसाद खिलाना है सबको, वो मैं खिला रहा हूँ। हाँ वो को मैं करने आ रही हूँ, मैं हाँ कि वो करने का, मैं इसमें पैसा कमा रही नहीं हूँ। मैं गरीब, मुझे गरीब नहीं बोलना चाहिए, ये वो प्रसाद दे रहा हूँ मैं सबको खाना प्रसाद खिला रहा हूँ। इसमें सब है, गरीब भी है, सब टाइप के यहाँ पे सब खाना खाने आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे किसके शर्म की बात नहीं है। वो जब का मैं जान है, वो जब का मैं KBC की खिलाने की, वो जो सेवा देने वाले है वो जब का है, वो जब का मैं खाना खिला हूँ। नहीं परेशानी वो आएगी, भोजन ऐसा बोलने लगे यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, अभी भी आपने सीमेंट का बनाया हुआ ये किया हुआ है, आपका नियत मंदिर बनाने का वापस होएगा। वो मैं आपको यही बोलने जा रहा हूँ कि मुझे मंदिर को कब्जा करना नहीं है, मुझे साई बाबा को कब्जा करना नहीं है। साई बाबा हमारे भगवान है, हम उनको क्या कब्जा करें, हम उनको क्या लेंगे, मुझे उनसे लेना देना नहीं है। मंदिर है, अभी मैं मन में दिल में मंदिर है, वो मैं क्या करूँ। मैं भी इसमें प्रदीप जैन है, मैं यहाँ का सोशल वर्कर समाज सेवक भी हूँ। मैंने अभी एक मन में लिया हुआ है कि साल में एक बार जो 50 साल की उम्र वाले है, जो गरीब से गरीब है, जो किसकी KBC की नहीं है, किसकी KBC की नहीं है, उनको मैं बस में फ्री में लेके जा रहा हूँ। मैं साई बाबा सिरली और नासिक दोनों साल में एक बार लेके जा रहा हूँ मैं।